तो क्लास ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी हम लोग क्लास अपनी शुरू करेंगे, है ना। चलो हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की पहली अध्याय है। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पूर्णांक का संक्रियाएं सीखा था, जिसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग दिया था। तो चलो मैं एक बार आपको भाग के लिए रिवीजन कराया था ताकि आपको याद रहेगा। क्या सीखा था हम लोगों ने कि अगर समान चिन्ह का जोड़ करते हैं या भाग करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक का मतलब कि पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। जैसे कि माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक उसी प्रकार प्लस का भागा प्लस के साथ करेंगे या प्लस का भागा या प्लस का गुना प्लस के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम लोग समान चिन्ह का, यहाँ लिखते चलो समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ लिख भी देते हैं धनात्मक का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है ना। चलो अब रही बात कि अगर अलग चिन्ह का घटाओ अलग चिन्ह का भाग करें या गुना करें तो हमें क्या मिलेगा। चलो बताएं सर बच्चे चैट बॉक्स में, अगर हम अलग चिन्ह का भाग करें या गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें निगेटिव मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक मिलेगा। यानी अलग चिन्ह का, यानी अलग चिन्ह का हम गुना करते हैं या भाग करते हैं हमें हमेशा क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, निगेटिव मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ऋणात्मक संख्या मिलता है, निगेटिव नंबर मिलता है। यहां तक समझ में आया आपको, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। और ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया था, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। प्रश्न क्या बोला है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। और आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। मैं हिंट के लिए आपको क्या करता हूं, मैं हिंट देता हूं, आपको ध्यान दो कि हमें पता है, वी नो दैट कि 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60 सेकंड में हमें पता है कितना मिनट होता है, एक मिनट होता है। कितना मिनट होता है, एक मिनट होता है। इन 60 सेकंड 1 मिनट होता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 360 सेकंड में हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, कितने मिनट होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो जल्दी करेंगे। 60 सेकंड में एक मिनट, तो 360 सेकंड में देख लेंगे कितना मिनट मिलेगा। चलो इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो 27 बच्चों में से अभी तक 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, लास्ट एक मिनट। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे आराम से टाइम लीजिए लेकिन उत्तर कीजिए। चलो जल्दी करेंगे। 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड, 31 बच्चों में से 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। बत्तीस बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने उत्तर किया है, 12 बच्चों ने किया है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, है ना। देखो बहुत ही सरल है, क्या है, देखो क्या करना है, मैं सिंपली 360 में भाग कर देना है 60 से, तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा मिल जाएगा, क्या, मिनट, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। 32 बच्चों में से 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे जल्दी से इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो जल्दी करेंगे। एक किस बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड,
लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 22 क्वेश्चन कर दिए, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। और जिनको भी पोल सेक्शन में उत्तर देने में कुछ भी परेशानी हो रही है, समस्याएं आ रही है, बच्चे माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहां परेशानी होती है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो लास्ट सर ट्वेंटी मेरे समझ में नहीं आई सर। क्या नहीं समझ में आता, क्वेश्चन नहीं समझ में आया या आपको पोल से उत्तर देने नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आ रहा सर। चलो मैं क्वेश्चन को ध्यान दे दो फिर बताना, ठीक है। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपको कि 360 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो देखो हमने सीखा है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, तो हमको निकालना है 360 सेकेंड में, यानी देखो क्या करना है, सिंपली 360 में हमें 60 से भाग देना है, क्या करना है 60 से भाग करना है। अब भाग करो, चलो जल्दी करो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना आएगा वही मिनट हो जाएगा, आगे समझ में। चलो 24 क्वेश्चन कर दिया, बहुत बढ़िया, 31 बच्चों में से 24 क्वेश्चन उत्तर कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न में उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। पूजा सिलन नाम से जो भी बच्चा जानके, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था बाबू, पोल सेक्शन के उत्तर जो होते हैं ना नहीं दिखाते हैं, ना ही कैमरा अंदर के, ना ही माइक अंदर के, नहीं बताते हैं, इस तरह क्या होता है बाकी बच्चे चीटिंग कर लेंगे फिर उत्तर सही कर देंगे, है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देखते हैं भाग करते हैं, चलो भाग करते हैं हम लोग, ध्यान दो, चलो भाग करते हैं। तो देखो 60 से भाग करते, देखो 60 से पहले भाग करते, देखो 60 से कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, यानी कितना मिनट हो गया, यानी मिनट हो गया 6 मिनट, 6 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। सर हाँ बताओ क्या डाउट है। सर यहाँ पे 0 बज गई थी, ये ऊपर नहीं चढ़ेगी क्या? 0 बज, अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाता हूँ, आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा, चलो मैं बताता हूँ आपने क्या होगा, बताते हैं दो क्या किया होगा आपने, आपने ये किया होगा कि 360 बट्टा 60 किया होगा। आप ध्यान दो, ध्यान से देखना, देखो 10 से 10 कट गया है ना, अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया, देखो ऊपर बच गया 36 और नीचे बच गया 6 है ना, अब देखो 6 एकम 6, 6 छक्के 36, कितना आया 6 मिनट आया, कितना आया 6 मिनट आया, आगे समझ में आपको, यानी ऑप्शन ए सही आगे ना। चलो अब देखो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, चलो जल्दी करेंगे। तो होमवर्क हम लोग बहुत ही अच्छा तरीके से डिस्कस करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप क्वेश्चन नंबर टाइप करते हैं, नहीं डाउट होता है तो कुछ भी टाइप नहीं करते हैं, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, है ना। चलो तो देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बता, देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दो, देखो क्या क्वेश्चन 2 में देखे कहा दिया गया, -7 × 12 × -5, है ना। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से, यही क्वेश्चन था। देखो अब हमें पता है कि देखो 12 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 12 हो गया, गुने माइनस 5 हो गया, है ना। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम लोग दो दो का पेयर इन दोनों के एक साथ, अब देखो हमें पता है प्लस माइनस, हमें पता है कि प्लस और माइनस का गुना, प्लस और माइनस का गुना करें क्या मिलेगा हमें, हमें हमेशा माइनस मिलेगा, हम जानते हैं कि अगर हमें अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है, तो यहाँ हो गया माइनस। अब क्या करेंगे, 12 का गुना करेंगे 7, 12 गुना करेंगे 7 से, तो ये जगह देखो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, हासिल 1, 7 × 7 = 8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, -84 हो गया, क्या हो गया -84 गुने यहाँ पे है -5। अब हमें पता है देखो अब ये समान चिन्ह है माइनस माइनस, अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस, और 84 में क्या करते हैं 5 से गुना कर दो, चलो 5 से गुना कर दो, 5 चौका 20, 2
आठ पच्चीस 40 और 2 42 तो कितना हो जाएगा 420। यानी प्लस 420 प्लस 420 लिखो या 420 लिखो, बात बराबर है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। आगे समझ में ना। चलो तो ये था आपका प्रश्नवाली 10.1। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली आपका है 10.2। प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या एक बता दो। चलो प्रश्न संख्या एक बताता हूँ, चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलो प्रश्न संख्या एक बताता हूँ, पहले ध्यान दो क्या दिया गया। प्रश्न संख्या एक में बोला गया है 4 - -8 - -11 - -5 है ना। अब देखो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर। अब बताओ चार का कुछ नहीं, क्या है प्लस है, यानी देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और आठ चौका क्या हो जाएगा, आठ चौका हो जाएगा 32, यहाँ हो गया -32। फिर करो गुना -11, फिर करो गुना -5, क्योंकि हम लोगों ने दो दो का सीखा है, हमने दो दो का सीखा है ना, फिर हम इन दोनों का गुना करेंगे है ना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और करते हैं 32 को 11 से गुना, चलो 32 को 11 से गुना करते हैं, चलो करो 32 को 11 से गुना, ये हो जाएगा आपके पास 1 × 2 = 3, फिर 1 × 2 = 3 जोड़ दो, 3 × 2 = 5, और ये हो गया 3, कितना जाएगा 352, कितना प्लस 352, ठीक है। फिर गुना है -5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, अब किसमें गुना करेंगे, 352 में किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे 5 से, चलो गुना करो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 1 = 50, 25 = 26, 2 आया हर चीन, फिर 5 × 3 = 15, और 2 = 17, कितना जाएगा -1760, 1770। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम चीन का गुना करते हैं, फिर हम अंकों का गुना करते हैं, है ना। सर दोबारा समझा दो, फिर से समझा दो, ध्यान दो, देखो ध्यान से देखो एक बार, फिर से देखो, देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन किया। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना था कि देखो प्लस 4 का कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। 4 का कोई भी चिन्ह नहीं होगा तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। फिर हमने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया। मैंने पहले क्या किया, मैंने 4 को और -8 को पहले गुना किया, जैसे उसको मैंने गुना किया क्या मिलेगा, प्लस माइनस गुना किया, मैंने मुझे क्या मिलेगा, -32 मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, -11 और -5 को मैंने उसी तरह लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, दो का पेयर बनाया, मैंने क्या किया, दो का पेयर बनाया, फिर मैंने दो का पेयर बनाया, मतलब -32 और 11, किसको किसको किया मैंने, -32 और 11 का गुना किया, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हमें पता है कि दो समान चिन्ह का गुना करते हैं क्या मिलता है, प्लस मिलता है। देखो यहाँ प्लस आ गया, फिर हमें मिला है 32 और हमारे पास है 11, तो 32 से 11 का मैंने गुना कर दिया, कितना मिल गया 352, तो यहाँ हो गया 352, ठीक है। फिर मैंने -5 को उतार दिया, अब हमें देखो कौन कौन सा चीज मिला, एक प्लस का है और एक माइनस का है, हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और मैंने 352 को 5 से गुना किया, कितना मिल गया 1760 मिल गया, तो कौन सा कितना आंसर हुआ, -1760। आगे समझ में, चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में डाउट है, चलो प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, चलो प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 4 तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दो क्या बोला गया प्रश्न संख्या 4 में, देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखा, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, देखो ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 3 से गुणा करो तो 2 × 3 = 6, ये हो गया -6 गुने यहाँ पे -13, फिर करो माइनस माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 को गुना कर दो 6 से 6 से 6 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 7, प्लस 78, प्लस 78 लिखो या 78 लिखो, बात बराबर है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट लिया, चलो आते हैं अगला अगला प्रश्न वाली है 11.1। प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन। अच्छा चलो प्रश्न संख्या तीन बता देखो, प्रश्न संख्या तीन बोला गया। हाँ चलो प्रश्न संख्या तीन बताते हैं, ध्यान दो। देखो प्रश्न संख्या तीन में बोला गया है -20/5। अब -20/5 का मतलब क्या हुआ? इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे -20/5, और 5 का कौन सा चिन्ह नहीं है, प्लस। कौन सा चिन्ह है? प्लस का। और हमें पता है कि अलग चिन्ह का गुणा करो या भाग करो हमेशा क्या मिलता है, माइनस -20 मिलता है। बाबू माई कौन करके नहीं बोलना है आपको, चार रूप में लिखना है। क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह मिलेगा, है ना। आप क्या करेंगे, देखो 20 में भाग दे दो 5 से, ये जगह 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। कितना मिल गया? 20। तो यहाँ हो गया -4। क्या मिल गया यहाँ पे? -4। समझ में आ गया? चलो आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। आइए ना समझ में। चलो और दूसरा और समझा दो दूसरा इसी प्रश्न का, चलो सर। देख लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं आपका दूसरा में क्या डाउट है। दूसरा कौन? दूसरा ठीक उसी प्रकार, देखो दूसरा भी ठीक उसी प्रकार है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ठीक उसी प्रकार दूसरा भी है। दूसरा में क्या है? -100/10। क्या है दूसरा? -100/10, -100/10। अब इसको भी उसी प्रकार लिखो, देखो बटम लिख लो -100, और नीचे क्या है? 10। और 10 क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? प्लस का है। फिर वही बात कि माइनस मतलब अलग साइन का अगर भागा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? माइनस मिलता है। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस। अब रही बात कि 100 में भाग करते हैं हम किससे? 10 से। तो करो भाग, 10 से कम 10 कट गया, फिर आया 0, 10 0 0, कितना आया? 10 आया। यानी कितना मानेगा इसका? -10 आएगा। ठीक है, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ले लिया आपने। सर एक चलो बार फिर समझा दो। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो क्या था। देखो मैंने सिखाया था, जब मैंने आपको बट्टा का भाग सिखाया था, मैंने आपको पूर्णांकों का भाग सिखाया था। क्या सिखाया था? ये देखो, अगर ये देखो -100 और क्या है +10, तो मैंने बताया था कि प्लस माइनस का अगर हम लोग भाग करते हैं या गुना करते हैं हमें हमेशा क्या मिलता है? माइनस मिलता है ना। अब देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10, मैंने क्या किया? 100 में 10 से भाग दिया। जब हम 100 में 10 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या समझ में आ गया सब बच्चों को। चलो अब क्या करते हैं, प्रश्न वाली देख लेते हैं 12 11.2। ठीक है, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या दो। अच्छा प्रश्न संख्या दो मेरा आउट, चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। अगर आप प्रश्न संख्या 11.1 का सारा बना लेंगे तो प्रश्न संख्या दो भी बन जाएगा। देखो इसको क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या दो को क्या लिखेंगे? देखो 72/-9, और 72 का कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। सुमित नाम, अपना माइक ऑफ लिखिए। 72 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ठीक है चलो अब क्या करेंगे, देखो अलग चीज है। देखो प्लस का भागा माइनस के साथ करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका चिन्ह कौन सा? यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह हो जाएगा? यहाँ पर आपका चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हो गया आपका चिन्ह माइनस का, है ना। चलो अब भाग कर दो 72 में 9 से, ये गया 9 8 72, 9 8 72। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, इस प्रकार क्या उत्तर आ गया? -8। इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चार बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे समझ में ना। चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम लोगों ने अपना होमवर्क डिस्कस कर दिया। अच्छा 3 में डाउट है? अच्छा 3 में भी डाउट है, चलो 3 में भी देख लेते हैं। 3 तो बहुत आसान था, बहुत आसान था, चलो देख लेते हैं 3, देख लेते हैं। चलो 3 भी देख लेते हैं। तो सर्वोच्च ध्यान देंगे, देखो सर्वोच्च ध्यान दे दो, क्या है यहाँ पे? इसको बटा के रूप में लिखते हैं। देखो बटा के रूप में लिखते हैं -285, -285/-19। अब हमें पता है कि सम्मान चिन्ह मतलब माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे, क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया पॉजिटिव। अब रही बात कि 285 में 19 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये हो गया 19 एकम 19, और यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 5, और 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, यहाँ हो गया +15। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल टैप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आइए यहाँ तक समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संख्या रेखा। जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी संख्या रेखा के बारे में पता है बच्चे 4 वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी संख्या रेखा के बारे में पता है बच्चे 4 वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता एन टाइप करेंगे, और जिनको नहीं पता या जिनको पता है उनको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दूंगा कि संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, चलो इसका नाम से ही क्लियर, चलो मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। देखो इसका नाम से ही क्लियर, क्या क्लियर है, रेखा मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेखा होगा, कहीं ना कहीं एक लाइन होगा। और अगला क्या लिखा, अगला लिखा है संख्या। अब बहुत हमने बहुत प्रकार का संख्या पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा है ना, हमने बहुत प्रकार का संख्या पढ़ा है, पहले पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा है। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी, तो मैं बता देता चलो आपको यहीं पे कि इसमें जो होती है किसी रेखा पे पूर्णांक, कौन सी संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक। और पूर्णांक आते ही आपके मन में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे निगेटिव नंबर भी आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी आएगा, और यहाँ पे शून्य भी आएगा, है ना, जीरो भी आएगा, है ना। यानी आपको यहीं से क्लियर हो गया, संख्या रेखा का नाम से ही क्लियर हो गया कि किसी रेखा पे अगर पूर्णांक आती है तो उसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं, है ना। जैसे कि संख्या रेखा किसे कहेंगे, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको ध्यान से। देखो कि मान लो एक ये संख्या रेखा है, मान लो एक ये रेखा, ये क्या आपका एक रेखा है, और इस रेखा पे जब पूर्णांकों को, इस पे किसको दर्शाना है, इस रेखा पे जब हम पूर्णांकों को दर्शाएंगे, किसको दर्शाएंगे, पूर्णांकों को, किसको दर्शाएंगे, पूर्णांकों को दर्शाएंगे, तब हम इस रेखा का नाम क्या बोल देंगे, संख्या रेखा नंबर लाइन। नंबर लाइन कब बोलेंगे, नंबर लाइन जब हम इस लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसे बोल देंगे संख्या रेखा नंबर लाइन। समझ में आ गया, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल तरीका है आपको समझने का कि नंबर लाइन संख्या रेखा किसे कहते हैं, जब हम किसी रेखा पे पूर्णांकों को, संख्या को, पूर्णांकों को, इंटीजर को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो सर बच्चे 4 बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, 4 बॉक्स में डबल एंटर करो, आगे समझ में। चलो अब हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं, अब लोग एक एक करके सीख लेते हैं कि संख्या रेखा पे सबसे पहले हम लोग किसको दर्शाते हैं, तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं शून्य को, यानी शून्य को हम लोग सबसे पहले दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, सबसे पहले शून्य को दर्शाते हैं, ठीक है, किसको दर्शाते हैं, शून्य को। अब शून्य के साथ साथ इसके बाद कौन सी संख्या आती है, सही उत्तर बताएंगे 4 बॉक्स में, शून्य के बाद कौन सी संख्या आती है, सभी उत्तर बताएंगे 4 बॉक्स में, जल्दी बताएंगे सर 4 बॉक्स में, शून्य के बाद आती है एक, यानी इसके अगला संख्या कौन होगा, एक, तो इसके बाद हम लोग दर्शाते हैं एक को, कहां एक सर एक को, हाँ माइक ऑन करके मत बोलिए आप, 4 बॉक्स बोलिए, कहां बोलिए आप, 4 बॉक्स बोलिए, माइक ऑन नहीं करना आपको, ठीक है, यानी शून्य के बाद हम दर्शाएंगे एक। अब रही बात कि यहाँ पे हमें शून्य भी दर्शा दिया और एक भी दर्शा दिया, तो फिर इससे हमें सीखने को क्या मिला, चलो मैं बताता हूँ सीखने को क्या मिला। देखो यहाँ से हमको सीखने को ये मिला कि अगर हम लोग शून्य से लेकर एक तक के बीच का, शून्य से लेकर एक तक के बीच की दूरी की बात करें, एक तक के बीच की दूरी की बात करें, मतलब शून्य और एक की दूरी के बीच की बात करें, मतलब शून्य और एक के बीच की दूरी की बात करें, तो इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, इसका नाम होता है, इस दूरी का नाम होता है इकाई मात्रक दूरी, क्या नाम होता है इसका, इकाई मात्रक दूरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 0 से लेकर 1 तक के बीच की दूरी को हम लोग इकाई मात्रक दूरी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। एक बार सारे बच्चों को समझ में आ गया यूनिट डिस्टेंस किसे कहते हैं, एक बार जैसे 4 बॉक्स में स्पेस का स्क्रीन शॉट लीजिए और 4 बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए, और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि यूनिट डिस्टेंस किसे कहते हैं, जल्द से स्पेस का स्क्रीन शॉट लीजिए और 4 बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में आपको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे ना। देखो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया कि ठीक है 0 से 1 के बीच को हम लोग बोलेंगे यूनिट डिस्टेंस, अब हम एक के आगे भी तो संख्या होती है, एक के आगे भी तो संख्या होती है, जैसे कि एक के आगे आएगा आपका 2, फिर इसके आगे आएगा 3, फिर इसके आगे आएगा 4, फिर इसके आगे
संख्या आते जाएंगे, तो फिर उनके बीच की दूरी क्या कहेंगे। चलो यहां से मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, बहुत ही सरल भाषा में सिखाता हूँ, आपको क्या करना है उसको याद रखना, आपको क्या करना है उसको हमेशा के लिए याद रखना। क्यों याद रखना, ध्यान दो कि कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच की, कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग इकाई मात्रक दूरी, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। कोई भी दो लगातार, जैसे कि मान लो दो हो गया एक और दूसरा क्या हो गया तीन, तो इनके बीच की दूरी को भी हम क्या बोलेंगे, इकाई मात्रक दूरी। ठीक, उसी प्रकार देखो तीन और चार के बीच की दूरी को भी क्या करेंगे, इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में क्यों नहीं होगा। तो देखो इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग सिर्फ क्या मान रहे हैं, हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि इकाई मात्रक है, यानी मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ सीखना है कि दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी कितनी होगी, एक इकाई मात्रक दूरी होगी, एक इकाई मात्रक दूरी होगी। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, समझ में आ गया ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि अगर ये आपकी एक संख्या रेखा है, ये आपकी एक संख्या रेखा है और यहाँ पे शून्य वन, इसी तरह करते 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 आगे अगर आपके पास यहाँ हो गया 98 और यहाँ हो गया 99, तो आप बताओ क्या 98 और 99 के बीच की दूरी भी इकाई मात्रक दूरी होगी। अगर होगी तो वाई टाइप करो, नहीं होगी तो एन टाइप करो। क्या 98 और 99 के बीच की दूरी भी इकाई मात्रक दूरी होगी, अगर होगी तो वाई टाइप करो, नहीं होगी तो एन टाइप करो। होगी, क्यों होगी, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी क्या होती है, इकाई मात्रक दूरी होती है ना। दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी क्या होती है, इकाई मात्रक दूरी होती है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्दी से चार बुक्स वाइट अप कर दो, जल्दी से चार बुक्स आ गया सर, माइक ऑन मत करो। ठीक है चलो आगे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो देखो मैंने सिखा दिया कि इकाई दूरी क्या होता है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अब आते हैं बात कि अब आते सर वो पेज दोबारा निकाल दो, मैंने लिखा नहीं। अच्छा ठीक है, आपने लिखा, ठीक है जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट। लिखना नहीं है, देखो ध्यान दो, इसको तो लिख कर आपको बनाना ही है। अब जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लिख पा रहे हो ठीक है, लेकिन कोशिश करो आप नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए लेने के लिए बोलता हूँ ताकि आप नोट्स बना लोगे, ठीक है, बाद में आप नोट्स बना लोगे। आप अपने माइक ऑफ रखिए, क्या बोले एक बार फिर से बोलिए। चलो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो ध्यान से देखो, चलो आप ध्यान से देखो, देखो देखो हमने क्या किया, हमने सीखा जीरो से शुरू किया, मैंने पहले जीरो को दर्शाया, जीरो को अंकित किया, मैंने फिर वन को अंकित किया, फिर दो को किया, फिर तीन को किया, फिर चार को किया, इस प्रकार हमें पता है, फिर पांच करेंगे और इसके बाद छह करेंगे, इसी तरह हम लोग अनंत तक जाएंगे, इस तरह हम लोग अनंत तक जाएंगे, मतलब जहां तक सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, मतलब अनंत तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, और जीरो से जब हम आगे जा रहे हैं तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, हमें पता है कि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है। अब ध्यान दो, हम लोग जीरो से शुरू किया और जीरो से हम लोग आगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं कैसी संख्याएं आने वाली हैं, ये सारी की सारी संख्या कैसी संख्या आने वाली है, पूर्ण संख्या आने वाली है, कैसी संख्या आने वाली है, पूर्ण संख्या आने वाली है, कैसी संख्या आने वाली है, पूर्ण संख्या आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पे जब जीरो से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग किस प्रकार की संख्या को दर्शाते हैं, तो हम लोग पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। इसमें तो किसी भी बच्चा को डाउट नहीं होगा क्योंकि सारे बच्चों को याद होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से शुरू हो, जो शून्य से शुरू होती है ना, यानी शून्य एक दो तीन चार पांच, जीरो एक दो तीन चार पांच, ये क्या होगी, ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। आगे समझ में, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखो यहीं पे एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और वो क्या है, वो है ध्यान से देखना। चलो ध्यान से समझना कौन सा बात है, ध्यान दो कि मान लो यहाँ पे मैं हूं और मुझे आगे जानी है, और मान लो मुझे कहाँ जानी है, आगे जानी है, मुझे कहाँ जानी है, आगे जानी है। ध्यान से देखो, पहले आप ध्यान से देखो, मुझे आगे जानी है तो ध्यान दो, अगर मैं मान लो यहाँ पे हूं और यहां से मुझे अगर आगे जाना होगा तो मैं इसे बोलूंगा दाई तरफ, मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहां जाऊंगा, दाई तरफ जाऊंगा। मुझे आगे जाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा,
मैं दाई तरफ जा रहा हूं, मतलब राइट साइड जाऊंगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लो मैं यहाँ पे और मुझे पीछे जाना है, ठीक उसी प्रकार मान लो यहाँ पे और मुझे पीछे जाना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाई तरफ जा रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाई तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, और मैं आगे जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, राइट साइड जाऊंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं दाई तरफ जा रहा हूँ, मैं राइट साइड जा रहा हूँ। फिर मान लो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बाई तरफ जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ। दीपक गुप्ता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, चैट बॉक्स में इस प्रकार का आप आइंदा ऐसे अनावश्यक हरकतें करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पर ध्यान। चलो जो कि मैं अभी आपको क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक है। चलो चैट बॉक्स में किसी बच्चा को अनावश्यक हरकतें नहीं करनी, इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो, कि अगर हमें जिस भी संख्या के बारे में, मतलब उस संख्या से अगर आगे जाएंगे तो उसे कहेंगे दाएं तरफ, और उससे पीछे जाएंगे तो बोलेंगे बाईं तरफ। तो वहीं पे देखो, यहाँ पे हम जीरो के किस तरफ जा रहे हैं, सही उत्तर बताएंगे। अगर हम जीरो के दाईं तरफ जा रहे हैं तो आर टाइप कीजिए, और जीरो के हम लोग बाईं तरफ जा रहे हैं तो एल टाइप कीजिए। हम जीरो के किस तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं तो आर टाइप कीजिए, और बाईं तरफ जा रहे हैं तो एल टाइप कीजिए। हम जीरो के दाईं तरफ जा रहे हैं, मतलब जीरो से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जीरो से हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी जीरो से हम आगे जाएंगे मतलब हम दाईं तरफ जा रहे हैं, मतलब हम राइट साइड जा रहे हैं। यहाँ समझ में आ गया? राइट साइड जा रहे हैं, है ना? यहाँ तक आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप बताओ कि बिंदु एक और चार के बीच की दूरी कितनी है। आप बताओ बिंदु एक और चार के बीच की दूरी कितनी है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बिंदु एक और चार के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है आपका बिंदु एक, ठीक है, और ये है आपके बिंदु चार, और आपको बतानी है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, क्योंकि हमें पता है दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी कितनी होती है, एक इकाई मात्रक, ठीक। उसी प्रकार दो से तीन के बीच में कितनी दूरी हो गई, एक इकाई मात्रक। फिर तीन से चार के बीच में कितनी दूरी हो गई, एक इकाई मात्रक। इस प्रकार कुल कितनी दूरी हो गई, कुल कितनी दूरी हो गई, जोड़ दो, एक प्लस एक कितनी हो गई, तीन इकाई मात्रक दूरी। कितनी हो गई, तीन इकाई मात्रक दूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, मात्रक दूरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए, बताइए आप कि दो और सात के बीच की दूरी कितनी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि दो और सात के बीच की दूरी कितनी है, बताओ कितनी होगी, दो और सात के बीच की दूरी कितनी है, बताएंगे सब बच्चे कितनी हो गई? किसके किस बारे में पूछा है? मैंने पूछा है दो के बारे में और सात के बारे में। बहुत बढ़िया, बोलो क्या करेंगे। देखो, यहां से लेकर यहां तक एक हो जाएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक एक हो जाएगा, फिर लेकर यहां से लेकर यहां तक एक हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक हो जाएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार चलो जोड़ दो सबको, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक कितना हो जाएगा, कुल पांच। पांच इकाई मात्रक दूरी। कितना हो जाएगा, पांच इकाई मात्रक दूरी। आ जाएगा समझ में, ये सारे बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत यस बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी सर, जल्दी यस क्लास सर, को और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को, इस बात पे ध्यान देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दी जल्दी करो, प्रश्न बहुत ही सरल है, इजी प्रश्न है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, और इसका उत्तर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन जाकर करना है। देखो बोला क्या है प्रश्न, क्या बोला प्रश्न, बोला है कि संख्या रेखा पर बिंदु दो और सात के बीच की दूरी ज्ञात करें। कौन कौन सा बिंदु है, बिंदु दो, ये हो गया बिंदु दो और सात के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, बस आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, लास्ट 1 मिनट,
37 बच्चों में से 14 बच्चों ने, 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में, बहुत बढ़िया है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 20 बच्चों ने कर दिया है, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड, देखो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम होगी, ध्यान देंगे, इसलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि सारे सी पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। देखो कोई बच्चे माइक ऑन करके आंसर नहीं बताए, जो बच्चे माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके आंसर दिखाएंगे मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पोल सेक्शन का उत्तर जो होता है ना सबको छुपा के बनानी होती है, ठीक है, किसी को बतानी नहीं होती है, इससे क्या होगा बच्चे सब चीटिंग कर लेंगे फिर उत्तर सही कर देंगे, है ना। चलो देखो 37 बच्चों में से 27 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत सर, बढ़िया। चलो पॉल जल्दी सेक्शन दब भी नहीं रहा है। पोल सेक्शन आपने नहीं आ रहा है, आप क्या करो एक बार क्लास को लीव करो फिर से जानकर आपको पोल सेक्शन दिखने लगेगा, ठीक है। कैसे आता है आपको पता ना, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होती हैं, उस 3 बिंदु पर क्लिक करनी होती है, जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करने पे आपको पोल दिखता है, पोल में जाके आपका उत्तर करना होता है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को तो कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन पॉल में जाकर सेक्शन एक दब गया बार, सर। ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चल देखते बहुत सरल सर प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान दो। देखो यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, ठीक उसी बार यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, ठीक उसी प्रकार 6 से 7 फीट के बीच की दूरी एक इकाई मात्रक दूरी, इस प्रकार चलो देखते हैं जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 इकाई मात्रक दूरी। जिस बच्चे का माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आप सुमित गी नाम से जो गी। बच्चा जानते, मैं आपको क्लास से पहले बाहर निकालता हूँ, अब का बार बार माइक ऑन होगा, ठीक है। चलो कितना होगा 5 इकाई मात्रक, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक आ गया इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको यहाँ तक आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न देखो क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपको बताना है, चलो प्रश्न पढ़ो आप पहले ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला है 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा, चलो ध्यान से प्रश्न पढ़े, चलो मैं यहाँ क्या करते पहले लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, हमें बोला क्या, देखो पहले रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, पहले हम देखते हैं किसके तुलना में पूछा गया है, देखो किसके बारे में पूछा गया, 7 के बारे में, तो देख लो 7 कहाँ है, यहाँ पे है 7, किसके बारे में पूछा गया, 7 के बारे में, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। अब किसके तुलना में पूछा गया, 4 के, यानी किसके तुलना में पूछा गया, 4 के, तो जिसके तुलना में पूछा जाता है वहां पे अपने आप को एज्यूम कर लो, अपने आप को वहां पे रख लो, मान लो कि हम यहाँ पे हैं, हम 4 के पास हैं, अब हमने बताया है कि अगर हम लोग अपने जगह से अगर आगे जाते हैं, देखो यहाँ से क्या हो गया, अगर यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब आगे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम दाई तरफ जा रहे हैं, मतलब दाई तरफ मतलब राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जाते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम अपने जगह से अगर हम पीछे जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम बाई तरफ जा रहे हैं, हम बाई तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। आप बताओ हमें किसकी तुलना में पूछा गया, हमें 4 की तुलना में पूछा गया, तो बताओ 4 की तुलना में 7 के पास जाना है तो हम किस साइड जाएंगे, तो 7 मिलेगा हमें दाई तरफ जाएंगे, देखो हम 4 से शुरू करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी ना हम 7 मिलेगा हमें, तभी ना हमें 7 मिलेगा, यानी हम किस तरफ जाएंगे, हम दाई तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, है ना, समझ आएगा आपको। चलो अब बताओ कि 4 की तुलना में अगर हमें 0 को पता करना है, 0 की तरफ जाना है तो किस साइड जाएंगे, 4 के तुलना में हमें 0 की तरफ जाना है तो किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, और 0 किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा 4 की तुलना में, तो
तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना रहता है कि किसके तुलना में हमें पूछा गया है, किसके रेफरेंस में हमें पूछा गया है ना। अगर समझ में, चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में करनी है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा टाइम लो आप, इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा टाइम लो, इस प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा पहले कॉपी में बनाओ, फिर इसका उत्तर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से। चलो चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओगे, ध्यान दो किसके तुलना में पूछा गया, ये पहले आपको देखना रहता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले आप नंबर लाइन बनाते हैं, ध्यान दो ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन है ना। आप देखो यहाँ पे हो गया हमारा मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो क्या बोला, संख्या रेखा पे दो, मतलब किसके बारे में पूछा गया, दो पूछा गया, 2, 7 के, मतलब किसके तुलना में पूछा गया है, 7 के तुलना में पूछा गया है। अब हमें पता है कि 7 से अगर हम आगे जाएंगे तो होता है दाईं तरफ, और 7 के जब हम पीछे जाएंगे वो होता है बाईं तरफ, यानी 7 के हम पीछे जाएंगे, मान लो अगर हम यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो दाईं तरफ, और यहाँ से पीछे जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो बाईं तरफ। तो अब आपको देखना है कि 2 7 के बाईं तरफ है या दाईं तरफ, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी करने के लिए, है ना। चलो 2 को पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, 2 के बारे में पूछा गया है, यही तक तो यहाँ पे सीखना है कि 2 7 के तुलना में किस तरफ है। देखो यही पूछा गया है, 2 7 के तुलना में किसके बारे में पूछा गया, देखो 2 7 के तुलना में पूछा, 7 यहाँ पे 7 है, इसके तुलना में 2 किस तरफ है ये पूछा गया है। आगे आएंगे तो आगे 9 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे हो जाएगा आगे, है ना। चलो लेकिन हमें किसके बारे में पूछा गया, हमें पूछा गया 2 के बारे में। लास्ट 30 सेकेंड, किसके बारे में पूछा गया, हमें 2 के बारे में पूछा गया कि 2 7 से किस ओर स्थित है। लास्ट 30 सेकेंड, देखो हमने बताया जिसके रेफरेंस में पूछा जाता है वहां पे हम रुक जाते हैं, देखो हम 7 पे बैठ जाएंगे और उससे देखेंगे कि अगर उसके बाईं तरफ है 2 या उसके दाईं तरफ है 2, अगर उससे हमें कम की तरफ जाना होगा तो हम क्या कहेंगे, बाईं तरफ जाएंगे, और उससे ज्यादा की तरफ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दाईं तरफ जाएंगे, है ना। समझ आए यहां तक, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चल मैं करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। अब देखो कितना सरल प्रश्न है, देखो हमें 7 के तुलना में देखना था ना, और 7 के तुलना में देखो 2 किस तरफ है, 2 हमारा बाईं तरफ, यानी कौन सा आपने सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, अगर आपने यहाँ पे समझ जाएगा जल्द से स्क्रीन वाइट करो, और आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से स्क्रीन शॉट स्क्रीनशॉट लो और 4x में वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब देखो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित करते हैं। जल्दी से बच्चे, क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित करते हैं, अगर करते हैं तो वाई टाइप कीजिए, एन नहीं करते हैं तो एन टाइप कीजिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को नहीं, हम इस पे निगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम इस पे पूर्णांक को दर्शाते हैं, नहीं सिर्फ पूर्ण संख्या को नहीं, हम किसको दर्शाते हैं, पूर्णांक को दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या को सिर्फ नहीं, हमें यहाँ पे किसको दर्शाना होता है, हम यहाँ पे निगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्या को भी हमें दर्शानी होती है, और हमें पता है जहां ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी यहाँ पे हमें क्या पता चला कि संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं बल्कि पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, बल्कि पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, मतलब पूर्णांक को ही निरूपित करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लो, 4x में डबल टाइप करो, और आपको ये समझ में आ गया तो स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लो, 4x में डबल टाइप करो, समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत ही है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे
आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस प्रश्न के लिए आपको मात्र 1 मिनट का वक्त दिया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, -2 है, ध्यान दीजिए, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलो और बनी दो, निरूपित क्या होता है? अच्छा, निरूपित मतलब दर्शाना होता है, अंकित करना होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि संख्या रेखा को देखो 1 2 3 4 0 1 2 3 लिखे ना, इसी को बोलते हैं निरूपित करना, दर्शाना, अंकित करना। समझ में आ गया? चलो सर मेरा आंसर गलत हो गया। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, मुझे पता था कि जल्दीबाजी में गलती करना, इसलिए मैंने बोल रखा है कि जो भी आप प्रश्न करो ना उसको पहले आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में ऑप्शन लिखो, फिर जाकर पोल सेक्शन उत्तर करो। तो ये कोई नहीं, अगला प्रश्न में कोशिश कीजिए कि सही उत्तर करें, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको, ठीक है। 34 बच्चों जी में क्या करना है जी? आपने कर लिया ना, ठीक है, 34 बच्चों में से 23 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल से। सर हाँ, क्या डाउट है आपका? ये रेड कलर की बिंदु जो है उस हाँ, पे कोई, उसी को हमको देखना है। देखो रेड कलर का बिंदु जो है ना, यही बताना है कि जैसे -2 है ना, हमको दिखाना है कि -2 कहाँ आता है, उसके हिसाब से देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ गया? जो कि जहां तक हम देख पा रहे हैं 99% अभी तक तो बच्चों जितने दिए उसमें से 99% बच्चों ने इसका उत्तर सही कर दिया है, मतलब 26 बच्चों ने उत्तर किया है, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, 24 बच्चों में से 26 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलते हैं देखो, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो हमें किसको देखना था, -2 को देखना था, है ना। देखो यहाँ पे देखो -3 को दर्शाया गया, ये गलत है ना। देखो यहाँ पर -1 को दर्शाया गया, हम किसको दर्शाना है, -2 को दर्शाना है। यहाँ पे देखो 2 को दर्शाया गया, लेकिन हम किसको दर्शाना था, -2 को दर्शाना था। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, कोई नहीं, 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है ना, 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएंगे सर बच्चे कि मान लो ये जो है बी है, और इसके जो आगे है वो है सी है, और इसके जो पीछे है वो कौन है, ए है। तो अगर मैं बी के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अगर बी के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, बी जो है ए और बी सी के बीच में है, मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहला बात क्या बोलूंगा, जो बी है वो किसी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, बोलूंगा ना। सबसे पहले बात क्या बोलूंगा कि जो बी है वो ए और सी के बीच में है ना, बीच में है। यानी बीच में है का मतलब क्या होता है, बीच में है का मतलब होता है कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे अगल और मेरे बगल, मतलब कि मेरे दाहिने साइड और मेरे बाएं साइड, मेरे राइट साइड और मेरे लेफ्ट साइड जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बीच में, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में आसानी हो, ठीक है। देखो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, ये प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो टाइम लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा टाइम लीजिए, फिर इसका उत्तर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन बोला गया है दी गई संख्या रेखा पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। तो पहले देखते हैं, पहले 3 कहाँ गया, 0 1 2, हो गया 3 4 5 6, हो गया यहाँ 7 हो गया, तो किसके बारे में बोला गया, 3 के बारे में बोला गया। तो बहुत ही सरल तरीके बताया, जहां पे हमें जिसके बारे में बोला गया वहां पे हम अपने आप को एज्यूम कर लेंगे, फिर उसके दाएं तरफ और उसके बाएं तरफ जो जो संख्या होगा वही बोल देंगे कि वही हमारी क्या है, बीच वाली संख्या है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 32 बच्चों में से 18 बच्चों ने कर दिया। चलो एक बार सारे बच्चे बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का प्रश्न सही होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो 24 बच्चों ने कर दिया, हमें 3 के बारे में बताना है,
हमें तीन के बारे में बताना है, ठीक है? चलो, 31 बच्चों में से 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेशन में, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में करेंगे। और जिन बच्चों ने कर दिया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से करेंगे इसका उत्तर कहां पे, पोल सेशन में जाकर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 25 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो सारे बच्चों को पोल सेशन में उत्तर करना ना अनिवार्य है, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है? चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेशन में कर देंगे, ठीक है? चलो 5 4 3 2 1, ठीक है? चलो देखते हो, बहुत ही सरल। देखो क्या बताया मैंने, मैंने बताया कभी भी बीच देखना तो इसके आगे का और इसके पीछे का, तो इसके आगे कौन सा संख्या है, इसके आगे कौन सा संख्या है, 4 है, और इसके पीछे कौन सा संख्या है, 2 है। यानी किस किस संख्या के बीच में ही है, 2 और 4 के बीच में, किस किस संख्या के बीच में, 2 और 4 के बीच में है। यानी कौन सा सबसे सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से स्क्रीनशॉट चार्ट में डबल वाई टाइप कर दो, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया जो सब स्पेस का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल आई टेप कर दो, आगे समझ में आ तक। चलो अगर आपको सर यहां दैट तक, सेक्शन तो खोलो। ठीक है चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अच्छा ठीक है सॉरी चार बॉक्स ऑफ था, कोई नहीं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जैसे स्पेस का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल आई टाइप कर दो, ठीक है आगे समझ में। चलो अब क्या करना है, सभी बच्चों को अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करना है। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है, प्रश्न वाली 12.1, प्रश्न वाली 12.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क था, ठीक है? हाँ ठीक है करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है? बाय चलो सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सर जी, गुड नाइट सर।